अपना जो अपने अपने घर में अपने खास दोस्तों को यहाँ पर बुलावा है, मैं शब्बीर भाई को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। दूसरा फिरोज, मैं जब राजनीति में नहीं था तब से मेरा दोस्त है, ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पहले से भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई। तो यहाँ पर जो भी है मती ने जो मल्काजगिरी हमारे चुनाव में जीतने के लिए बहुत कुछ मेहनत किए, आज मैं केसीआर साहब ने बहुत मेहनत कर बहुत सारे पैसे लगा के कोडंगल में मुझे हराया, तो सब लोग मिलकर आम जनता मिलकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने मिलकर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्काजगिरी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह का दोनों का पार्लियामेंट जोड़कर गिने तो भी अपना बड़ा है, वहां से मुझे जिता के पार्लियामेंट में भेजा है। मेरा जीत में आदमी को दो आंके जैसा रहता है, हिंदू मुसलमानों मिलकर मुझे जिता के दिल्ली को भेजा है। आपके उम्मीद को नहीं तोड़ा मैं, जब पार्लियामेंट में 378 कल आया, एनआरसी आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आए, ट्रिपल तलाक, जो भी है कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटियों के साथ में रहकर लड़ने के लिए जो कोशिश किए, पहला कदम पार्लियामेंट में मैं उठाया कांग्रेस के पार्टी के तरफ में माइनॉरिटी भाइयों को रक्षा देने के लिए, फिर भी मोदी जी ने उसका ताकत दिखा के जो छोटे मोटे गलतियों से गलत फहमी से, मैं आज एक बात बोलना चाह रहा हूं ये मंच से, आप लोग सोचो जब जब कांग्रेस पार्टी हार गए बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमान भाइयों को मेहमान के उसके रिश्तेदारों के तरह जैसा समझकर सब कुछ उन लोगों को दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का पार्टी हो गए, हिंदुआ सब मिलकर कांग्रेस को हराओ बीजेपी की जिताओ बोल के नरेंद्र मोदी जी से लेकर पंडित संजय तक यही कह रहा है। तो एक तरफ से कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए मुद्दा बन रहे हमारे भाइयों ने, दूसरे तरफ हमारे भाइयों ने 70 साल के बाद या 50 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में किस लिए गुस्सा है मुझे तो पता नहीं, केसीआर जैसे आदमी को आपका मदद ज्यादा मिलना ये होगी। यहां पर अपना जो वोट मिल रहा है कार के लिए, तेलंगाना में वो कार दिख रहा, ये कार यहां से निकलकर दिल्ली गए तो कमल बन जा रहा है, ये कमाल क्या है आप लोग सोचना। हर वक्त मोदी के साथ केसीआर साहब ने दिया, हर बार आप लोग हम लोग ये सोशल फैब्रिक ये सोशल जस्टिस के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी जितना मेहनत किए, ये मेहनत कुछ कामयाबी नहीं हो सक रहे क्योंकि हर माहौल में माइनॉरिटी लोग जहां पर है रीजनल पार्टी के साथ जोड़ना लग गए, नेशनल पॉलिटिक्स में अब सोचना ही छोड़ दिए, जब माइनॉरिटीज प्रदेशों में रीजनल पार्टी के साथ चला गए नेशनल लेवल पे पूरा एक माहौल बना के मोदी जी ने जीत रहा है। ये रीजनल पार्टी जो भी है जीतने के बाद दिल्ली जाकर वो मोदी से जोड़ रहा है, इसके नतीजा क्या है आप लोग सोचो, जब जब कांग्रेस थे इंडिया के प्रेसिडेंट से लेकर हर मिले हम लोग मौका दिए कांग्रेस पार्टी ने, कंबाइंड स्टेट को कमालुद्दीन साहब ने प्रेसिडेंट था कोई दे सकते, ये आंध्र प्रदेश के जब कांग्रेस पार्टी था तब पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने, शब्बीर भाई को काउंसिल में अपोजिशन लीडर बनाए मिनिस्टर बने, जब शब्बीर भाई नौजवान था 89 में मेरे ख्याल से मरी चन्ना रेड्डी जी के कैबिनेट में बहुत बड़ा मंत्री बनाकर सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मौका दिए, हसमी साहब होम मिनिस्टर था मेरे ख्याल से, तो आज बोल रहे केसीआर साहब ने महमूद अली साहब को मैं
माइनॉरिटी को दिए बोल के। अरे भाई हम लोग देश को प्रेसिडेंट बने हैं माइनॉरिटी को, ये छोटा होमंत्री क्या है भाई। केसीआर जब चेड्डी में था तब आंध्र कंबाइंड आंध्र प्रदेश को होम मिनिस्टर दिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को, तो माइनॉरिटी को कभी भी कुछ दिक्कत आए तो हम लोग साथ में थे। आप लोग और हम सब मिलकर लड़ने का वक्त आए। हर बार जो 4% मैं एक ही चीज बोल के आप लोगों को सोचने के लिए मैं एक मतलब आप लोग सोचना है सोचने के लिए मैं आपसे ये कर रहा हूं, 4% रिजर्वेशन किसने दिया भाई, किसने कोशिश की है? शब्बीर भाई राजशेखर साहब के लीडरशिप में शब्बीर भाई गुलाम नबी आजाद साहब ने ड्राफ्ट बनाया शब्बीर भाई के घर में, ड्राफ्ट को अप्रूवल किया गुलाम नबी आजाद साहब ने, उसको जीवो दिए राजशेखर रेड्डी साहब ने कांग्रेस पार्टी ने, फिर 12% देने के लिए 6 महीने 4 महीने में 12% देते बोलते शाद नगर में ऐलान किया था केसीआर साहब ने, अभी तो 7 साल गुजर गए खा गए। तो इसीलिए मैं बोलने का मतलब आप लोग सोचो, अपना जावेद साहब जफर जावेद साहब अपने बहुत यहाँ पर बहुत तजुर्बा है, सो वाले एडुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने वाले जो भी उसका मतलब कांग्रेस पार्टी जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिए तो कितने मुसलमान के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर लायर, हाँ तो इतने सारे लोग कैसे बने? फीस रिइंबर्समेंट दिए तो गरीब मुसलमानों को कितने फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी के वक्त? तो इंदिरामा गांव इल्लू जो गांव में दिए तो सब माइनॉरिटी को मिले, फिर कांग्रेस इतने सारे दिए केसीआर साहब को आप झमके मदद दिए झमके जिताए, माइनॉरिटी लोगों को क्या मिला आप लोग सोचो। इसी एक धक्का मारे तो कांग्रेस पक्का कायम सत्ता हासिल करेगा। हमारे माइनॉरिटी भाइयों के जो तेलंगाना के आम जनता है उनके उन लोगों के लिए अच्छा करने का एक मौका है। 7 तारीख आने वाले 7 तारीख अच्छा जलसा, अपना ओल्ड सिटी अपना भाई अपना माइनॉरिटी भाइयों का जलसा में बहुत बेहतरीन नाम सुना मैं तो देखा नहीं, इस बार मैं देखना चाह रहा हूँ। ताकत कुछ बचा के फ्रिज में लगाए तो वो खराब हो जाएगा, ताकत बचाने का नहीं है, ऐसा पूरा ताकत दिखाने का वक्त आए बाहर आना, क्योंकि ताकत जितना ज्यादा निकले तो और ताकत बढ़ेगा, ताकत थोड़ा बच के रखे तो ये खाना नहीं है फिर अगले बार खाने के लिए, जब ताकत दिखाना है सब कुछ दिखाना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितने भी हमारे भाइयों ने शामिल है आप लोग सब मिलकर 7 तारीख का विजयनगर कॉलोनी से लेकर गांधी भवन तक दरगाह तक जो दरगाह विजयनगर कॉलोनी से नामपल्ली शरीफ दरगाह वहां से गांधी भवन हमारे माइनॉरिटी पेद्दम्म मंदिर से लेकर विजयनगर कॉलोनी तक बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट से आ रहे जो लोग आ रहे वो लोग वहां से फिर शब्बीर भाई का हैंड ओवर हो जाऊंगा मैं, वहां से आप कैसे लेके जा रहे क्या करना चाह रहे आपके आप जो ये मेरे लिए नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए।